प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताने वाला हूं कि पुनः छह ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये छहों ग्रहों की युति बन रही है जो पिछले साल यानी कि 2019 25 दिसंबर को बनी थी, जिसके कारण ये कोरोना रूपी महामारी हम सब के जीवन में प्रवेश कर 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इफेक्टिव बना दिया और 21-22 लाख लोग जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी डेथ हुई है। जो अनरिकॉर्डेड हैं उनकी तो कोई संख्या किसी को ज्ञात ही नहीं हो सकती। तो वही हालात ऐसा महसूस हो रहा है लगातार बनते हुए चले जा रहे हैं। और बृहस्पति देवता के नीच के होने के कारण और बुध देवता के वक्री होने के कारण इस छह ग्रहों की युति पर और विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये आंदोलन की उग्रता, हमारे लाल किले पर कब्जा करने का प्रयास, यह दिल्ली को दहशत में फैलाने की साजिश की शुरुआत हुई। तो ये सब ग्रहों का खेल है। हमारा जो शासन तंत्र है वो कमजोर पड़ा कहीं ग्रहों के कारण, और जो उग्र स्वभाव के लोग हैं वो ताकतवर हुए उनकी विपरीत बुद्धि की वजह से। उनके जो धर्म के ग्रह ने उन्हें धर्म से भटकाकर उग्रवाद की तरफ आकर्षित किया, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा, साथ ही साथ आपको बताने जा रहा हूं आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी आमदनी, आपका कर्जा और आपकी बरकत से संबंधित समस्या, सभी राशि वालों के लिए अलग अलग चर्चा करूंगा। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 बैक साइड से एंट्री, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर, क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर चर्चा करता हूं, और जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया, ग्रहों की विपरीत प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मंगल देवता मेष राशि में विराजमान है, अपने ही घर में स्वस्थ हैं। राहु महाराज वक्री होकर वृष राशि में विराजमान है, केतु महाराज वृश्चिक राशि में वक्री होकर विराजमान है, और यहाँ कालसर्प योग का निर्माण हो गया, क्योंकि आधी पूरी कुंडली में आधा हिस्सा खाली और आधे हिस्से में 9 के 9 ग्रह बैठे हुए हैं। यहां पर सूर्यदेव, चंद्रदेव, वक्री बुध, नीच के बृहस्पति, शुक्र और अस्त शनि, ये सारे के सारे एक साथ मकर राशि में विराजमान हो गए हैं। बड़ा अद्भुत संयोग है ये। ऐसा ही संयोग जब पिछले वर्ष बना था तो हाहाकार मचा हुआ है, उसका आज तक खत्म नहीं हुआ। तो ऐसी भयावह स्थिति पुनः न बने, उसके लिए हम सब मिलकर यत्न करें और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। आइए नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज है 10 फरवरी सन 2021, विक्रम संवत 2077, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज जो परमपिता परमात्मा अपने द्वार खोलेंगे हम सबके लिए, वो समय रहेगा 7:55 से लेकर 9:29 का सुबह का समय है ये। और जो आज का शुभ मुहूर्त है वहाँ कोई भी नहीं है, आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, किंतु जो जादू टोना टोटका विचारक्रम षटक्रम करते हैं उनके लिए जो मुहूर्त रहेगा वो 8:27 से लेकर 9:50 सुबह का समय रहेगा, या फिर 12:36 से लेकर 1:59 का ये दोपहर का समय है। इस समय के अनुसार वो अपने जादू टोना टोटका विचारक्रम षटक्रम इत्यादि का निर्धारण कर सकते हैं।
तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी लोगों से एक अनुरोध के साथ कि हमारे सनातन धर्म को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए आप छोटे छोटे हमारे लिए दो फेवर करिएगा। जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे, एक जगह कहीं से कोई बात सुनते थे तो वो 100 लोगों से चर्चा करते थे, इसी प्रकार आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उस बारे में आप अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को हमारे वीडियो के साथ अपना हमारा लिंक शेयर करें हर एक वीडियो का। यानी आज जो वीडियो देखते हैं उसका आज करें, कल देखेंगे उसका कल करिएगा सभी मित्रों रिश्तेदारों के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के साथ। मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके आत्मबल में निरंतर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, आपको चांस बनता हुआ नजर आ रहा है नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू सफलता का। जॉब में उन्नति का, कार्यस्थल पर आपके व्यापार में उन्नति का समय है। हालांकि शनि भगवान यहाँ थोड़ा सा अस्त होने की वजह से कमजोर हो रहे हैं, आप उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करते हुए उनको बल प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन में और अधिक तरक्की की ओर जा सकते हैं। परिवारजनों से उलझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बात करूंगा उन युवक युवतियों की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है, वो चांस बनता हुआ नजर आ रहा है नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू में सफलता का। तो इस समय का लाभ उठाकर अपने जीवन में खुशियां अर्जित करने का प्रयास करें। आपको कार्यस्थल पर से अगर आपकी शादी नहीं हुई तो एक जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा आपका जीवन साथी आपके कार्यस्थल पर आपको मदद पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ बात करना चाहता हूं आपके भाग्य के बारे में। भाग्य के देवता नीच का होने के प्रभाव की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला या प्रखुराज के रतन की अंगूठी मूंगे के रतन की अंगूठी के साथ धारण करना, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार मंत्र सिद्ध कराकर धारण करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक बना रहता है। यही आपके जीवन में निरंतर आपको आगे बढ़ाएगा। अगर संभव हो तो अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही धारण करें ताकि आपको कभी भी कोई विपरीत प्रभाव ना झेलना पड़े। बात करना चाहता हूं आपके आमदनी के बारे में। तो इस समय आमदनी में आप थोड़ा सा रुकावट सी महसूस करेंगे। तो जो व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में उनकी आमदनी में रुकावट है या कर्जे अचानक से होने लगे हैं, तो आप उन सब से बाहर आने के लिए बिना किसी चीज के स्टार्टिंग में ही, कि जब ये नौबत आ रही है, अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। आमदनी को बढ़ाने के लिए आप तो शारीरिक मेहनत कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल जो कंसल्टेशन होगी वो आपको बेहद लाभदायक होगी। कोई योग्य व्यक्ति जब आपकी कुंडली देखता है तो उसमें आपकी आमदनी को कैसे सपोर्ट किया जाए और कैसे आपको कर्जों से मुक्ति दिलाई जाए उसकी जानकारी आपको दे सकता है, जिसको उस जानकारी के बूते पर शीघ्रता से कर्जों के बोझ से बाहर निकल सकते हैं अपनी आमदनी को बढ़ाते हुए। मगर ये कोई जादू टोना जादू नहीं है कि मैं फूंक मारूंगा और आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। ये है हमारे ग्रहों की शक्ति। जब हम इन ग्रहों की पीड़ा को शांत करते हैं, इनके कष्टों को दूर करते हैं जो हमारी जन्म कुंडली में है, तो निश्चित रूप से उनको बल प्रदान करने से आपकी आमदनी में वृद्धि होती है और आप कर्जे की बोझ से बाहर आने लगते हैं। बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, आपको कार्यस्थल पर अपने प्रेम संबंधों में अपनी जो जिनसे भी आप प्रेम करते हो आपके कार्यस्थल पर आपकी मदद पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उनकी सहायता लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। यहां मैं बात करना चाहता हूं वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों, कुछ उलझने हैं लगातार बनी रहेंगी और आपको परेशानी का सबब बनती रहेंगी, सावधान रहें, सतर्क रहें। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके माता के आशीर्वाद की वजह से आपको, जो युवक युवतियाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको उनके माता के आशीर्वाद की वजह से नौकरी प्रमोशन इंगेजमेंट इंटरव्यू इंटरव्यू सफलता सरकार की तरफ से कोई नौकरी का सूचना या कंप्यूटर एग्जाम में सफलता की सूचना प्राप्त हो सकती है या मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। तो इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करें, माता से आशीर्वाद लेते रहें और इस को सफल बनाते रहें। किंतु जो युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि का ग्रह, मतलब आपकी इस समय जो बुद्धि का ग्रह या पढ़ाई लिखाई का जो ग्रह बना हुआ बुध बना हुआ है, तो अगर बुध वक्री घूमेगा या कमजोर रहेगा तो आप कैसे पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर छोटा सा उपाय करना, हमारा गारंटी वाला उपाय जो साल में एक बार करना होता है, उस उपाय को करके आप निश्चित रूप से उसकी वजह से आप ना सिर्फ आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा अपितु हर बार पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, इस बात की हम आपको रिटर्न में भी गारंटी दे सकते हैं। और हम आपको ही क्या दे सकते हैं, हम तो सभी लोगों को कहते हैं, ओपनली चैलेंज करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर अपने आप को दावा करते हैं कि वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, आप भी उनको चैलेंज करिए कि उनसे पूछेगा उनके बच्चों ने आज तक क्या किया है,
अगर उनके बच्चों ने आईआईटी या आईएएस आईपीएस या फिर नीट की परीक्षा क्लियर करके वहां कहीं एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, या जेईई की परीक्षा क्लियर करके उनको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एनआईटी या कहीं और आईआईटी या ऐसी जगह पर एडमिशन मिला है, और उनके सभी बच्चों को, यस वो सीए कर चुके हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये नहीं कि वो अगर मैं आपको लूट लूट के अपने बच्चों को कोई बिजनेस खड़ा करा दूं, दिस इज नॉट इट। मतलब आपकी मेरी एस्ट्रोलॉजी नहीं सिद्ध करता कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। सबसे पहले घर से शुरुआत करते हैं। अगर मैं सबसे पहला भला करूंगा तो अपने घर वालों का करूंगा, अपने ज्ञान की वजह से। तो अगर मेरे बच्चे अगर आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में काम कर रहे हैं, आईआईटी जेईई के थ्रू सफल होकर कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी हाईएस्ट पॉसिबल जॉब का ऑफर लेकर उन्होंने जॉब को ज्वाइन किया कोरोना की स्टार्टिंग में ही, दूसरे ने 1 लाख रुपए महीने की इंटर्नशिप प्राप्त करी, जिसके आईआईटी में जो सिलेक्शन हुआ तो उसका 701 रैंक है एडवांस टेस्ट में। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के बच्चे इस तरीके से आगे बढ़े हैं तो मुझे उसका नाम बता देना, मैं भी जरा जानकारी हासिल करूंगा कि क्या सच में ही ऐसा है। दावा बहुत सारे लोग करते हैं, आपको बिल्कुल ठीक करने का दावा करते हैं, अपने घर में तो कुछ करके दिखाएं, आपको तो जब ठीक करेंगे। तो इसी वजह से अभी हमने शुरू किया है उन लोगों को, जो लोग अब हमसे फायदा उठा रहे हैं तो वो हमें अपने रिव्यू बना के भेजें, जिसे हम अपने इस वीडियो में लगाकर आपको जानकारी दे सकें कि हमारे उपाय करने से किन किन लोगों को लाभ हो रहा है, तो आप भी लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं बात करूंगा आपके जीवन साथी के बारे में। तो आपके जो जीवन साथी हैं, निश्चित रूप से उनके साथ आपके संबंधों में कठोरता आएगी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद पैदा होंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें, आपकी स्थिति ठीक नहीं है कि दुर्भाग्य के हालात भी कोई, मतलब भाग्य में 6-6 ग्रहों का इकट्ठा हो जाना, आपको एक तरफ तो सरकारी नौकरी की सूत्र बताने की दिलाने का प्रयास तो करेगा, किंतु ये हालात जो है ना बहुत खतरनाक बने, लेकिन भाग्य में बने हुए तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा कराएंगे वृष राशि वालों को। तो इसका फायदा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ यहाँ पर कार्यस्थल की बात करूँ, कार्यस्थल के हालात भी, क्योंकि शनि महाराज की वो है तो थोड़ा सा लो होंगे, तो इसको हाई करने के लिए एक तो आप राशि रत्न की अंगूठी, एक राहु महाराज जो बैठे होंगे आपके सिर पर उनकी अंगूठी, एक भाग्य के रत्न की अंगूठी, पहले अपनी जन्म कुंडली दिखाकर धारण करें। अगर आमदनी भी के ग्रह क्योंकि खराब हो रखा है तो आपको विपरीत प्रभाव दे सकता है, तो उसकी भी जरूरत पड़ने पर अंगूठी या स्वयं के द्वारा की गई पूजा बहुत लाभदायक रहेगी। पूजा का विधि विधान बिना किसी चीज के आप स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें ईमेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में परेशान हो रहे हैं, और निश्चित रूप से इस समय उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, तो ऐसे सभी युवक युवतियां ध्यान रखें, और अगर उनको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, चाहे लड़ाई झगड़ों की वजह से, चाहे संबंध खराब हो गए इस वजह से, उन संबंधों को ठीक करना है या उन संबंध को शादी के मुकाम तक पहुँचाना है, तो बिना किसी झिझक के हमसे वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करके न सिर्फ अपनी परेशानियों के लिए उपाय जान सकते हैं, अपितु अगर जरूरत पड़ने पर घर बैठे इन उपायों को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, आपको चिंता फिक्र तो परेशान करेगी करेगी, आपका अपना ग्रह एक तो सबसे पहले वक्री है, ऊपर से आपके अष्टम भाव में चंद्र कुंडली के अनुसार जब देखते हैं अष्टम ग्रह भाव में 6-6 ग्रहों का वही जमावाड़ा हो गया है, और ये जमावाड़ा कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी ला सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई भी ऐसा कार्य करें तो बहुत सतर्कता के साथ करें। बुद्ध देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला और शनिदेव भगवान के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला इस समय आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगी। तो भाग्य को मजबूत करिए, अपने आप के राशि रत्न की अंगूठी पहनकर अपने आप को मजबूत करिए, ताकि आपको समय समय पर होने वाली विभिन्न प्रकार की परेशानियों को संभालने में बहुत आसानी रहे। बड़ी से बड़ी परेशानी आए तो आपको केवल छू कर चली जाए, आपको नुकसान ना पहुंचा सके, तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। आपके कार्यस्थल के हालात में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आमदनी में भी आपको परेशानी का सामना थोड़ा सा हो सकता है, हालांकि मंगल देवता का पूरा पूरा आशीर्वाद इस समय आपको मिला हुआ है, जो आपकी आमदनी के घर में बैठकर आपको लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।
रहे हैं, चिंता फिक्र आपका पीछा छोड़ेगी नहीं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो छह ग्रह वहां बैठकर राहु केतु दूसरी जगह पर बैठकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी एकमात्र पूरी कुंडली में केवल मंगल आपके लिए ठीक है। शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और विशेष रूप से मैं मिथुन राशि वालों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, आप अपने राशि रत्न की, भाग्य के रत्न की, आमंत्री के रत्न की, कार्यस्थल के रत्न की मंत्र सिद्ध प्राण पत्र से जागृत कराकर अंगूठियाँ अवश्य धारण करें। अगर आपको मंत्र सिद्ध करने वाला कोई नहीं मिला तो मेरे यहाँ से, मेरे खुद के द्वारा आपके नाम की पूजा कर, आपके साइज की बनवा कर ये अंगूठियाँ पूरी दुनिया में कहीं भी क्यों ना रहते हों आपको घर बैठे पहुँचाई जा सकती हैं। और हर एक अंगूठी इंडिविजुअली उसकी पूजा होती है। मेरे यहाँ कोई स्टॉक नहीं है, शनि भगवान सामने साक्षात सामने विराजमान है, तो मेरे यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई स्टॉक नहीं होता अंगूठियों का, केवल आपके लिए स्पेशली तैयार की जाती है हर अंगूठी, और आपको डायरेक्टली स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दी जाती है, जिस पर आपके घर तक पहुँचाने की गारंटी हमारी होती है। रास्ते में खराब हो जाती है वो हमारी होती है, हम उसे दोबारा ठीक करके या नई बनवा कर आपको भेजते हैं, अगर कभी ऐसा हो तो, जो कि 0.001% जैसे चांसेस हैं, यानी 10,000 में से एक लोगों की हो सकती है। बाकी रही आपके प्रेम संबंधों को लेकर मैं बात करना चाहूँगा, आपके प्रेम संबंध आपके लिए बदनामी का कयास बन जाएंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें, आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं, सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन युवक युवतियों के बारे में जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनको घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा इन दिनों। इस निराशा से बचने के लिए ऐसे सभी युवक युवतियाँ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल करें और कारण जानने का प्रयास करें क्यों उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, और सरकारी नौकरी लगाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो अगर आप 10 साल खराब कर रहे हैं, 5 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में खराब कर रहे हैं, या 2 साल खराब कर रहे हैं, या 1 ही साल खराब कर रहे हैं, तो क्यों करें। मैं तो कहता हूँ एक दिन भी बर्बाद क्यों करें, जब आपको सही रीजन मिल सकता पहले ही कि आपकी सरकारी नौकरी का क्या योग है, कैसे आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे आपको मदद पहुँचाई जा सकती है, तो आप उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति हालात को समझने का प्रयास करें तो आपका अपना ग्रह जीवन साथी के घर में बैठकर ना सिर्फ जीवन साथी के साथ विष योग का निर्माण कर रहा है, किंतु वहाँ बैठे हुए अन्य बहुत सारे ग्रह जिसमें बकरी, बुध, नीच के शनि भी शामिल हैं और उसमें से एक आध ग्रह अस्त भी है, तो 6-6 ग्रह इस समय पर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काफ़ी ऊपर नीचे स्थिति बन रही है। जो भी करें सोच समझ कर करें, अपने आप को संतुलित रख के करें, अपने मानसिक स्तर को बढ़ाकर रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ऐसे सभी स्टूडेंट जो कर्क राशि के हैं बिना किसी झिझक के हर साल पहले से आधा नंबर लाने के लिए और पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए हमारा गारंटी वाला एक उपाय करें, जिसके करने से निश्चित रूप से आपको न सिर्फ हर बार पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे अभी तो आपका मन भी अवश्य पढ़ाई लिखाई में लगेगा। यहाँ पर बात करता हूँ आपके जीवन साथी से संबंधित, आपका जीवन साथी निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा करने का प्रयास करेगा, उसकी वजह से एक चांस बनना है नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकारी नौकरी, सरकार की तरफ से कोई कंप्यूटर एग्जाम की सफलता या कोई अन्य लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, उसमें जीवन साथी का अहम योगदान होगा। और जिन लोगों का जीवन साथी ही नहीं है तो उनके लिए रिश्तों की बात बनती नजर आ रही है, किंतु वो बात खराब ना हो इसका विशेष प्रयास रखना है। तो इस समय भगवान शनिदेव के तांत्रिक बीज मंत्र और आपकी मनोस्थिति को बढ़ाकर रखना है। बृहस्पति देवता भी आपके यानी भाग्य के देवता भी इस समय खराब है, तो यहाँ तो मैं कर्क राशि वालों को कहूँगा आप हमेशा चंद्र देवता की अंगूठी, बृहस्पति देवता की अंगूठी, अपने जीवन साथी से अगर आपको बार बार परेशानी होती है जिनकी वजह से आपके आंखों में आंसू निकल आते हैं, तो उनसे संबंधित रतन की अंगूठी और आमंदनी में बैठा हुआ, क्योंकि राहु महाराज जो है पूरे साल आपको परेशान करेंगे, तो आमंदनी से संबंधित रतन की अंगूठी पहनकर आप लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। यहां मैं बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों की, तो आप अपने प्रेम संबंधों को खराब होने से बचाने के लिए बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें, ताकि हम आपको छोटी सी टिप्स दे सकें आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए, उनसे आपकी शादी की इच्छा को पूरा कराने के लिए, या घर वाले अगर आपकी शादी के लिए राजी नहीं हो तो उनको भी छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा मनाने के लिए मदद कर सकते हैं, और इन उपायों को आप घर बैठे भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हमसे वीडियो कॉल पर चर्चा करने के उपरांत अगर आवश्यक हो तो।
ये उपाय हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा जागृत करके आपको घर बैठे पहुंचाए जा सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कार्यस्थल के हालात में निश्चित रूप से मंगल देवता की आशीर्वाद आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। आमंदनी में कुछ उलझने हैं, राहु महाराज वहाँ बैठकर आमंदनी में उलझने खड़ी कर रहे हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रेम संबंधों में तो परेशानी आती हुई दिखाई दे ही रही है, तो उसका भी ख्याल रखें। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्ति अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करें। छह ग्रह बीमारी के घर में जाकर बैठ गए। आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार ये वही समय है जब कोरोना का निर्माण हुआ था, उस समय भी ऐसा ही हुआ था, योग बना था बीमारी का। पहले मतलब कर्क राशि में उनके बीच में आपस में संयोग बना इन छह ग्रहों के बीच में, और कोरोना का निर्माण हुआ 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं सन 2019 की। अंततः बीमारी का एक कोरोना नाम के वायरस का जन्म हुआ। वो सिंह मतलब उस समय तो किसी और लगन में हुआ था, इस समय सिंह लगन में हो रहा है, तो कहीं कोई विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है और आपके लिए ये परिस्थितियां बहुत घातक नजर आ रही है। आपका ही ये बीमारी का घर बन रहा है सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वाले जो लोग हैं या सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो सरकार पक्ष के लोग हैं, सब बहुत कमजोर बन जाएंगे और विरोधी ताकतें इतनी मजबूत हो रही होती चली जाएंगी कि बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सरकार को भी, और ऐसे ही आपको अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, सरकार को भी और आपको भी। तो शत्रु यही नहीं है, छह तो यहाँ पर बैठे हुए, राहु केतु आपके घर पर और आपके कार्यस्थल दोनों ही जगह पर बैठकर आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यंत्र मंत्र तंत्र हर चीज का सहारा लिया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आप बिल्कुल भी मजबूत रहिए, आपको इम्यूनिटी बूस्टर की अत्यंत आवश्यकता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में रूबी रतन की मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा जागृत की अंगूठी, मंगल देवता के रतन की मंत्र से जागृत की हुई अंगूठी, आमंत्रण के रतन की मंत्र से जागृत की हुई अंगूठी, जीवन साथी के रतन की, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है, उनके रतन की जागृत की हुई अंगूठी आपको बहुत फायदा देगी, बशर्ते ये मंत्र सिद्ध हो। तो इन रत्नों की अंगूठियों को मंत्र से प्राण प्रति जागृत कराकर घर बैठे हमारे से पूजा करवा कर प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें वीडियो कॉल पर चर्चा करके अपनी जन्म कुंडली के बारे में डिस्कस करें, तो उनमें से कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा खराब है उसकी विवेचना करके हम इस स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ आपके जीवन साथी की बात करूँ मैं तो यहाँ जीवन साथी के हालात भी ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे, उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी नजर आ रही है। आप अपने भी बीमारी का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा उन युवक युवतियों की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनको घोर निराशा का इन दिनों सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ये तो पता करें कि उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। बिना वजह ही भूसके ढेर में लठ बजाने से आपको सरकारी नौकरी हासिल नहीं हो जाएगी। अपने अगर योग है तो उसे मजबूत करें ताकि आपको सरकारी नौकरी मिल सके और भी तरीके से। अगर योग नहीं है तो फिर आपको कहीं दूसरी तरीके से दूसरी जगह पर मजबूत करके डाइवर्ट किया जा सके ताकि आप अपने जीवन में अपने अच्छे करियर को बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ भाग्य में बैठे हुए राहु मंगल देवता, भाग्य में बैठे हुए मंगल देवता आपको मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, किंतु कार्यस्थल पर राहु की अड़चनें आपको परेशान कर सकती हैं। माता से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, पिता का आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। जो व्यक्ति इस समय कर्जे के बोझ से परेशान है, उनको मजबूत होने के लिए अपनी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जितनी आमदनी बढ़ेगी उतना ही कर्जे की पीड़ा कम होगी, तो आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, उन लोगों को क्योंकि प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं, तो उन प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों की शरण में जाना ही होगा अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। तो वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें, हम अवश्य ही आपकी मदद करेंगे, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपको भरपूर मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहां मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति आपका अपना ग्रह वक्री होकर एजुकेशन के खाने में जाकर बैठ गया है। निश्चित रूप से आपकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, साथ ही साथ वहाँ पांच अलग अलग ग्रहों का संयोग एक आपके लिए चांस भी बना रहा है, लक्की चांस भी है। आपकी नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट जैसी सूचना भी बन सकती है, तो इस सूचना को अगर संभव हो तो मोटिलाइज करने का भरपूर प्रयास करें। सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी युवक युवतियों के लिए है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर लेटर आ सकता है या कोई अन्य बेनिफिट आपको
प्राप्त हो सकता है, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। भाई बहनों से झगड़ा करना आपके लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पर आपका जीवन साथी के साथ उनका ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है, जिनकी शादी हो रखी है। और जिनकी शादी नहीं हुई है तो अगर वो माता का आशीर्वाद लेकर मौके पर चौका मारने का प्रयास करें तो अपने संबंध प्रेम संबंध को शादी में भी कन्वर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर बात करूँगा तो यहाँ पर बृहस्पति देवता का नीच का होना आपके लिए विपरीत प्रभाव भी दे सकता है, तो उससे थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला, मगर उससे पहले बुद्ध देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला पन्नरतन की अंगूठी आपको बहुत फायदा पहुँचाएगी। साथ ही साथ शुक्र देवता का आशीर्वाद आपको बहुत फायदा पहुँचा सकता है। राहु महाराज भी प्रॉब्लम दे रहे हैं भाग्य में बैठकर, तो उनकी भी आपको ख्याल रखना होगा। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कन्या राशि वाले सभी व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत समय से कन्या राशि वालों के बारे में नहीं बताया है कोई उपाय। तो कन्या राशि वाले सभी व्यक्तियों हमेशा अपने जीवन में पन्ना रतन की अंगूठी, शुक्र देवता के लिए हीरा या उसके ऊपर रतन की अंगूठी हम ओपल सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ओपल को हम मंत्र सिद्ध नहीं करते। और कार्यस्थल पर भी, क्योंकि बुद्ध देवता ही फलीभूत हो रहे हैं आपको, और आमदनी से संबंधित रतन की अंगूठी या उनकी तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। बृहस्पति देवता का भी, क्योंकि वो नीच के हैं और इस साल पूरा ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो अगर आप उनका भी रतन की अंगूठी चाहे उपरतन की पहने चाहे रतन की पहने पहन सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। मैं खुद पहनता हूँ, मैं खुद कन्या लगन का व्यक्ति हूँ, कन्या राशि का व्यक्ति हूँ, मैं खुद पहनता हूँ। कन्या लगन मकर राशि का व्यक्ति हूँ, मैं खुद पहनता हूँ। पुखराज मैंने यहाँ पहना हुआ है और पन्ना मैंने यहाँ पहना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज नहीं तीसियों साल से पहना हूँ, तो आप भी लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाल हो सकते हैं। घर बैठे मेरे से इन अंगूठियाँ बनवाने के लिए, मंत्र सिद्ध प्राण प्रति जागृत कराने के लिए आप मुझे बोल सकते हैं, वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा कर सकते हैं। घर बैठे इन रत्नों की अंगूठियों को प्राप्त कर सकते हैं मेरे यहाँ से, मेरे द्वारा सिद्ध की गई अंगूठियाँ, क्योंकि एक साधक का ही काम होता है जो नित्यपति मंत्रों की साधना करता है, वही इन रत्नों की अंगूठियों को सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है। मैं पिछले 30-32 सालों से नवग्रहों के मंत्रों की नित्य प्रति साधना कर रहा हूँ, तब परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई कि अगर मट्टी भी, मैं सड़क की मट्टी भी उठाकर मंत्रों के साथ आपके तिलक करूंगा तो आपको फल देगी, तो आप उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। Hello, my name is Nicole. I'm from Florida, Miami, and I came here for the power course with Guru Sri Rajneesh Ji and Guru Maharaj Kumani. I've been here for 30 days, and I got more than I bargained for. There are many gurus, many teachers, and we spend a lot of time and money and energy. We don't really know which one to choose or where to go to get the truth. And I'm glad I can tell you to come to Shalipit, because the teaching is going to be, could be very fast. It's genuine and we do get results. So there's no doubt that all these years of searching, I came to the right place and with the right masters. बात करता हूँ मैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, परिवारजनों से उलझने की आवश्यकता नहीं है। माता का पूरा आशीर्वाद लेते रहें, माता का आशीर्वाद आपके जीवन में, नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू सफलता, कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट के द्वार खोलने जा रहा है, तो इस समय का लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आप माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठे थे उस समय याद किए थे, तो इस बात का लाभ उठाइएगा। और बात करूंगा, आपके जीवन साथी भी आपको भरपूर खुशियां देने का प्रयास कर रहा है। आपका अपना घर कमजोर जरूर है, मगर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं हम। भाग्य के देवता वक्री होने के फलस्वरूप आपको शुभ फल नहीं देंगे, तो भाग्य के देवता रतन की अंगूठी, अपने राशि रतन की अंगूठी और आमदनी के रतन की अंगूठी के साथ पहनना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तो आप इन रत्नों की अंगूठियों को पहनकर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। अपने कर्जे के बोझ से मुक्ति पाने के लिए, अगर आपके पास कोई कर्जे का बोझ है या आपके कार्य काम धंधे में बरकत नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ पर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो कार्य का ग्रह है,
कार्य का ग्रह जन्म कुंडली के चलते, मगर वो कार्य का कौन सा ग्रह आपको कार्य करवा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस ग्रह के कार्य में आप बरकत कर सकते हैं। तो उस ग्रह को मजबूत करने से आपके न सिर्फ काम धंधे में वृद्धि होगी बल्कि आमदनी में भी वृद्धि होगी। तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करें अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। जितने भी रत्न जब भी पहने जाते हैं जन्म कुंडली दिखाने के पश्चात ही पहने जाते हैं और प्रॉपर मंत्र सिद्ध कराकर पहने जाते हैं किसी साधक के द्वारा जो मंत्रों की निरंतर साधना करता है, तो उसका लाभ उठाकर अपने जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करेगा। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई उनकी शादी होने की संभावना बनी हुई है, इस समय रिश्ता उनका मैच्योर हो सकता है, तो इस समय का फायदा उठाने का प्रयास करें। यहां मैं बात कर रहा हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो यहां अगर आप अपनी माता से सलाह करके अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में लाभ होगा, आपके जीवन में खुशी आएंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें और लाभ उठाएं। घर बैठे अभी आप उपाय प्राप्त कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। यहां पर बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह जो है बीमारी के घर में जाकर बैठा है, यानी बहुत कमजोर हो गया, इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए आपको। मंगल देवता के रतन की अंगूठी आपको सदैव धारण करनी चाहिए। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत की हुई अंगूठी आपको बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। साथ के साथ आपको अपने आमदनी की रतन यानी पन्ना रतन की अंगूठी भी सदैव धारण करनी चाहिए ताकि आप कर्जे के बोझ से मुक्त हो सकें। यहाँ पर आपके भाई बहनों की वजह से आपको एक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट इंटरव्यू में सफलता जैसी सूचना मिल सकती है, तो इसका लाभ उठाने का प्रयास करें, अपने जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करें। माता का पूरा आशीर्वाद भी भाई बहनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, तो जो स्टूडेंट मेहनत करने के बावजूद जिनके अच्छे नंबर नहीं आते या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, वो हर एक छोटा सा उपाय करें, हर स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा। जब वो किसी भी क्लास का किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी क्लास में पढ़ता है, चाहे वो MD MBBS MD करने के बाद सुपर स्पेशलिटी की तैयारी ही क्यों ना कर रहा हो, वहाँ पर भी उसको लाभ होगा। तो उस उपाय को घर बैठे भी आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करने के पश्चात। यहाँ पर बात करूँगा आपके जीवन साथी के बारे में, तो कुछ उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। आपके जीवन साथी का ग्रह कुछ कमजोर है, थोड़ा सा झगड़ा करने से बचें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें। यहाँ पर बात करूँगा आपके भाग्य की, तो भाग्य के हालात प्रॉपर तरीके से भाई बहनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, उनका लाभ उनसे मिलकर आप लाभ ले सकते हैं। कार्यस्थल पर भी भाई बहनों की वजह से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट की जो सूचना थी वो उसी वजह से हो रही थी। आमदनी बढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है पन्ना रतन की अंगूठी आपको धारण करनी चाहिए अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पर बात करूँगा आपके प्रेम संबंधों की, तो आपके प्रेम संबंध खराब होते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। जो भी करें सोच समझ कर करें, अन्यथा वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें लाभ उठा सकते हैं। घर बैठे ही आपको हम पूरी मदद पहुँचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ बात करूँगा धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपका अपना ग्रह नीच का होकर कुटुंबजनों के साथ जाकर बैठ गया है, तो अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए सदैव अपने राशि रतन की अंगूठी चंद्र कुंडली के अनुसार बात कर रहे हैं, या और भाग्य के रतन की अंगूठी एवं आमदनी के रतन की अंगूठी पहनना आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है, तो आप इन रत्नों की अंगूठी पहनकर लाभ उठाने का प्रयास करें। तो यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट निश्चित रूप से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा होगा, और वो अगर सही तरीके से कंसंट्रेट करेंगे तो अपने करियर को बनाने में समर्थ हो सकेंगे। इस समय की गई मेहनत उनके लिए बेहद लाभदायक होगी, हालांकि उनका अपना ग्रह कमजोर है, फिर भी वो पढ़ाई लिखाई में तो कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। यहाँ पर उलझनें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके जीवन साथी के साथ भी आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी, फिर भी आपका अपना ग्रह खराब है, जीवन साथी के ग्रह भी खराब होने की वजह से आपको दोनों तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने तोड़फोड़ वाले क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल नहीं होंगे, आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। भाग्य के हालात को ठीक करने के लिए आपको जितना भाग्य को मजबूत करेंगे, अपने आप को जितना मजबूत करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपने भाग्य के ग्रह को, अपने राशि के ग्रह को और अपने आमदनी के ग्रह को सदैव मजबूत बनाकर रखें ताकि आप बड़ी से बड़ी परेशानी को आसानी से सामना कर सकें। यहाँ पर बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध आपके जीवन में खुशियाँ घोलने का प्रयास करेंगे। इस समय का फायदा उठाने का प्रयास करके अपने प्रेम संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करें। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। बात करूँगा मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपके सिर पर अब छह ग्रहों का इकट्ठा हो जाना अचानक से आपको
थोड़ा सा कमजोर बना सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अपनी इम्यूनिटी बूस्टर यानी नीलम रतन की अंगूठी आपको सदैव फायदा देगी। भाग्य की रतन की यानी पन्ने की अंगूठी आपको सदैव फायदा देगी। आमंत्रणी के रतन की अंगूठी यानी मंगल देवता की अंगूठी आपको सदैव फायदा हो देगी। तो मैं, क्योंकि मैंने बताया ना मैं मकर राशि का हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को हमेशा धारण करता हूँ। ये नीलम की अंगूठी मैंने पहनी हुई है, यहाँ पुखराज पहना हुआ है, यहाँ मैंने मूंगे की अंगूठी पहनी हुई है, और यहाँ मैंने पन्ने की अंगूठी, आम जो मेरे भाग्य के देवता है उनकी अंगूठी पहनी है। तो इन सब का फायदा मुझे मिलेगा अगर मैं पहनता हूँ। तो आप भी उठाने का प्रयास करिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। आपके लिए चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी प्रमोशन, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, कोई शुभ सूचना, कंप्लीट एग्जाम इत्यादि में सफलता की आपको प्राप्त हो सकती है। तो समय को यूज करने का प्रयास करिएगा। परिवारजन भी आपको भरपूर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है, किंतु पढ़ाई लिखाई में उलझने आकर खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आ रहे, बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। जीवन साथी के साथ कोई यात्रा की संभावना भी बन सकती है, जो भी करें सोच समझ कर करें। भाग्य की देवता का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यस्थल की बात करूं तो कार्यस्थल पर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, कार्यस्थल के देवता कमजोर हैं, तो इसीलिए मैंने कार्यस्थल से संबंधित रतन की अंगूठी भी यहाँ पर धारण की हुई है, ताकि हमें कम मेहनत में भी ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो सके। अचानक से केतु महाराज, क्योंकि यहाँ पर हमारे आमंत्रणी के घर में बैठे हुए हैं, तो मैं मकर राशि का व्यक्ति हूँ, तो मैंने केतु महाराज को भी उकरने के लिए केतु महाराज की, क्योंकि मुझे अचानक से धन लाभ हो सके, तो उसके लिए मैंने प्रयोग किया है। तो ऐसे बात करूँगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए जो जिनमें उलझने आ रखी हैं, सभी मकर राशि वाले व्यक्तियों को कहूँगा कि संभाल कर अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और ऐसे सभी युवक युवतियाँ जो प्रेम संबंधों को लेकर बहुत परेशान है, बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं अपने जीवन में। यहाँ बात करूँगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आपके हालात ठीक नहीं है। छः छः ग्रह अगर आपकी राशि से 12th आकर इकट्ठे हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का तो सबब बनेगा ही बनेगा। साथ में दो ग्रह राहु और केतु कार्यस्थल पर आपके घर पर बैठकर आपके अड़चने खड़ी कर रहे हैं। तो इस 8-8 ग्रहों का एक साथ खराब हो जाना कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को व्यथित कर देगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। आप अपने आप को इम्यूनिटी बूस्टर यानी नीलम रतन की अंगूठी, भाग्य की रतन की अंगूठी यानी शुक्र देवता की अंगूठी, आमंत्रणी से संबंधित रतन की अंगूठी और जीवन साथी से संबंधित प्रॉब्लम आ रही तो उनसे उनसे संबंधित रतन की अंगूठी तो आपको धारण करनी चाहिए। मंत्र से प्राणपति जागृत कराकर घर बैठे इन अंगूठियों को आप हमारे यहाँ से मेरे द्वारा मंत्रित कराकर प्राप्त कर सकते हैं वीडियो कॉल पर चर्चा करने के उपरांत। यहाँ पर भाई बहन आपको फुल टू फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यही एकमात्र अकेला ग्रह जो इस समय कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को मदद कर रहा है, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। पढ़ाई जो स्टूडेंट्स हैं या जो युवक युवतियाँ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनको काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है, तो उस बात का वो विशेष रूप से ख्याल रखें। तो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें। कार्यस्थल के हालात में भी अचानक से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो सारी चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तभी आप अपने शत्रुओं से, अपनी परेशानियों से दूर रहने का प्रयास कर सकेंगे। तो आपको बहुत सख्त इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत है, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत नहीं करना करेंगे तो आपको मानसिक रूप से और अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए आप हमसे चर्चा कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से और लाभ उठा सकते हैं हमारी सलाह मानकर। यहाँ बात करूँगा मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति, आपका अपना घर है क्योंकि नीच का है, तो आपको हमेशा अपने राशि रतन की अंगूठी धारण करना, अपने भाग्य के रतन की अंगूठी धारण करना बेहद लाभदायक रहेगा। जरूरत पड़ने पर आमंत्रणी के रतन की अंगूठी भी आपके लिए बहुत सूट कर सकती है। तो यहाँ पर इस समय देखा जाए तो आपके जीवन साथी वाला ग्रह भी आपके लिए सूट नहीं कर रहा है, ठीक नहीं नजर आ रहा है, किंतु आमंत्रणी में इन सारे 6 के 6 ग्रह का इकट्ठा हो जाना कहीं ना कहीं आपकी आमंत्रणी में तो वृद्धि करेगा ही करेगा, जिसमें आपका अपना नीच का ग्रह भी शामिल है। तो आप इनको ठीक करिएगा, अपने आप को मजबूत करिएगा, अपनी इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाइएगा, तभी तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फलीभूत हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।
Thank you.